बादली विधानसभा के राणापार क्षेत्र में किया गया दही हांडी का आयोजन। यह आयोजन जन्माष्टमी के बाद कान्हा जी की छठी के अवसर पर किया गया। यह आयोजन दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा किया गया, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े। इस तरह का आयोजन अक्सर महाराष्ट्र में होता है, लेकिन दिल्ली में कम ही देखने को मिलता है। राणा पार्क में यह पहली बार आयोजन किया गया था, जिसमें नकद इनाम की राशि भी रखी गई थी और कई टीमों ने इसमें भाग लिया। इसमें लड़के और लड़कियों की अलग अलग गोविंदाओं की टीम ने दही हांडी को फोड़ा। गोविंदा जब दही हांडी फोड़ रहे थे, उनके ऊपर घरों के ऊपर से पानी की बौछारें भी की गई और कई घंटे तक यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ ने कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम में इसी विधानसभा के पूर्व विधायक व दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद जनता के बीच मौजूद रहे और अपने क्षेत्र की जनता के बीच उन्होंने भी इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लिया। दरअसल देवेंद्र यादव पिछले कई सालों से कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं हर वर्ष करवाते हैं। उन खेल प्रतियोगिताओं में अब दही हांडी को भी शामिल कर दिया गया है। पहली बार ऐसा आयोजन, लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं और आगे के सालों की क्या प्लानिंग है? बच्चों को हमें कहना है हर साल होना चाहिए। ये भगवान की लीला है, श्री कृष्ण तो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ लीला ही करते हैं और ऐसी लीला आज यहाँ राणा पार्क में हो रही है। मुझे खुशी है, बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत उत्साह, बहुत प्यार है, उत्साह है और एक दूसरे की जो टीम भावना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो अक्सर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरीके की टीम भावना यहाँ पर देखने को मिली है, अद्भुत। मुझे खुशी है कि इसका आयोजन में मेरा थोड़ा बहुत सहयोग रहा, इन बच्चों को यहाँ इकट्ठा करने में मेरा सहयोग रहा। निश्चित ही आज बच्चों ने वो करके दिखाया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे। तो बच्चे आज लगातार अलग अलग टीमें, अलग अलग जगह से टीमें, पूरी बादली विधानसभा से टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, अपनी अपनी कोशिश की है, लेकिन किसी ने प्रोत्साहित नहीं हुए और मुझे खुशी है आज बच्चों की ये टीम ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हुए अभी ये मटकी तोड़ी है। इस तरीके का आयोजन हम पहले भी करते रहे, चाहे वो खेल कूद के हों, चाहे बच्चों के प्रोत्साहन के प्रोग्राम हो या बच्चियों की शादियों की बात हो, लेकिन मुझे निश्चित ही जो नशा, जो जुनून, जो बच्चों में उत्साह यहाँ देखने को मिला, निश्चित ही ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे, साल दर साल इसी तरीके से करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण जी की छठी है, जन्मदिन के छठे दिन छठी आती है और आज छठी के में जिस तरीके का उत्साह यहाँ देख रहे हैं वो निश्चित ही हमें खुशी देता है और मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाला सबके परिवारों में खुशी दे, समृद्धि दे और इन बच्चों के पेरेंट्स को भी इनके उत्साह बढ़ाने में वो हमेशा साथ रहे।